की डिश है हमारी फ्रेश फ्रेश भुट्टे का हलवा। उम्मीद है आपको जरूर से पसंद आएगी। बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यदि तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए झटपट से हलवा बनाते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश भुट्टे लिए हैं, 1 किलो भुट्टे लिए हैं। अब इनके मैं दाने निकाल रही हूँ, मैं चाकू से दाना निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेट करके भी अच्छे से दाने निकल जाते हैं, पर मुझे चाकू से निकालना अच्छा लगता है इसलिए मैंने चाकू से निकाले हैं। अब सारे भुट्टे को निकाल के दाने निकाल लिए हैं। अब मैंने इसको मिक्सी में बारीक पेस्ट बनाया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है फ्रेंड्स। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर सारा पेस्ट डाल देती हूँ और इसको हमने धीमी आँच पर ब्राउन होने तक भूनना है। एक एक टेक्निक आपको बताऊंगी मैं। इस तरह से अभी गोल घुमा रहे हैं, फिर हम इसको अलग अलग करने के लिए इस तरह से चलाएंगे और बीच बीच में घी डालते रहेंगे। तो फ्रेंड ज़्यादा घी तो हमें डालना नहीं है, पहले एक कड़छी डाला था, अब दूसरी डाल रही हूँ और बाद में थोड़े से 1 चम्मच मतलब 1 टीस्पून और डालूँगी। बस इतने घी में पूरा पक जाएगा ये। देखिए कैसी कंडीशन आ गई इसकी, अब मैंने इतना ब्राउन किया हुआ है। अब मैं ये हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम लोग 1 कप चीनी ली है मैंने, उसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ हलवे को हम लोग को बनाने के लिए। अब चाशनी नहीं बनानी फ्रेंड, बस जस्ट हमने इसको हल्का सा एक उबाल लेना है। अब चीनी के पानी में मैंने केसर डाली है और 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। अब ये हो गया है, तो गरम गरम भुने हुए हलवे में मैं मीठा पानी डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल गरम गरम ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अभी बिल्कुल गीला है, अब हम इसको ढकेंगे, ढककर थोड़ी देर 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट पकाने के बाद देखिए इसकी ये कंडीशन हुई है। अब ओपन करके ही पकाना है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने पानी, आपको लग रहा होगा ज़्यादा है बट ये पक पक के थोड़ा गाढ़ा होगा तो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा परफेक्ट हलवा हमको मिलेगा। इस तरह से मैं अभी और पकाऊँगी इसको धीमे धीमे आँच पर। अब थोड़ा सा इसको रिच बनाने के लिए ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, बादाम काजू और पिस्ता जो बारीक बारीक में चॉप कर लिए हैं, अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाना है। देखिए फ्रेंड्स गाढ़ा भी हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है हमारे हलवे की, बहुत ही टेस्टी, इतनी अच्छी स्मेल आ रही ना फ्रेंड्स, मुझे तो पानी आ रहा है। अब प्लेट में सर्व करते हैं, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ऊपर से गार्निशिंग कर देती हूँ ड्राई फ्रूट से, है ना, कितना अच्छा दिख रहा है, देखते लग रहा ना, बस जल्दी से खा लें। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स भुट्टे का हलवा। अगर आप चाहें तो स्वीट कॉर्न से ही बना सकते हैं, स्वीट कॉर्न को मिक्सी में पीस कर हलवा रेडी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स बाय।